गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ, और आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज 7 या विंडोज 10 या विंडोज 11, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे मेरा वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, नो कनेक्टेड का ऑप्शन शो हो रहा है, मैंने नो इंटरनेट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस मार्क यहाँ पे लगा हुआ शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके विंडोज 10 या विंडोज 11 में भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो करूंगा क्या कि यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर, और रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ncpa.cpl इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ, देन ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको ब्लूटूथ एडाप्टर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, वर्चुअल बॉक्स एडाप्टर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा वाईफाई का भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो वाईफाई का ऑप्शन है आइकन है यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी मैंने वाईफाई का एडाप्टर यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हो सकता है आपका हार्डवेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो या हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को ही हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है cmd माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको कुछ एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है png ping space 127.1.1.1 space -t। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे रिप्लाई कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्डवेयर है हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपका जो वाईफाई का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका हार्डवेयर रिलेटेड से किसी भी तरह कोई भी कनेक्शन नहीं है, मैंने हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं आपको श्योर कर दिया हूँ, मेक श्योर कर दिया हूँ कि यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको दिखाया था वहां पे वाईफाई एडाप्टर वहां पे शो नहीं हो रहा था, और यहाँ पे कंफर्म भी कर लिया हूं मैं कि यहाँ पे मैंने हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई एडाप्टर है वो आपका मिसिंग है, मैंने वो आपके सिस्टम में नहीं है, इसका मतलब यही है। इसी कारण यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है और ना ही हम लोग का इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको उस वाईफाई एडाप्टर को आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, मैंने अपने विंडोज में इंस्टॉल करना होगा, विंडोज 10 हो गया या विंडोज 7 हो गया या विंडोज 11 हो गया, तो उसमें आपको इंस्टॉल करना होगा डाउनलोड करके। तो उसे डाउनलोड करने के लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन का नीड होगा, मैंने जरूरत होगा। तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कैसे करोगे विदाउट वाईफाई के बिना, तो हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड फोन का यूज करेंगे, और उस एंड्रॉयड फोन की हेल्प से हम यहाँ पे अपने लैपटॉप में इंटरनेट को यूज करेंगे, और इंटरनेट की हेल्प से हम लोग यहाँ पे वाईफाई को डाउनलोड करके फिर इसे इंस्टॉल करेंगे जो वाईफाई एडाप्टर है। तो सबसे पहले तो आपको अपने डेटा केबल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है और एंड्रॉयड फोन से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद और आपके सामने एंड्रॉइड फोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, इस तरह का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसी यूएसबी टेथरिंग को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, मैंने सेलेक्ट कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे पॉपअप में शो नहीं होता है, तो आप उसे सेटिंग्स में भी जाकर आप उसे टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको सेटिंग्स में चले जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में डायरेक्टली आप यूएसबी टेथरिंग भी आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे लिए यहाँ पे इनेबल है क्योंकि मेरा पॉपअप में वो ऑप्शन शो हो गया था, तो मैं वहां से ही डायरेक्टली इसे इनेबल कर लिया हूँ। अगर बाय द वे वो पॉपअप शो नहीं होता है, तो आप यहां से भी डायरेक्टली आप इसे इनेबल कर सकते हो। इनेबल कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने एंड्रॉइड फोन का मोबाइल डेटा को टर्न ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहां पे मोबाइल डेटा को भी यहां पे टर्न ऑन कर लेता हूं, तो आपको अपने एंड्रॉइड फोन में यूएसबी टेथरिंग को टर्न ऑन करना है और मोबाइल डेटा को भी आपको यहां पे टर्न ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है, और यहाँ पे जो मेरा रेड कलर का क्रॉस मार्क यहाँ पे लगा हुआ था वो भी यहाँ पे हट गया है। इसका मतलब यह है कि मेरा इंटरनेट
अब एक्सेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई की हेल्प से नहीं, यहाँ पे एंड्रॉयड फोन की हेल्प से यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब आपको करना है क्या है कि अब आपको उस वाईफाई अडेप्टर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपने सबसे फेवरेट मैंने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो केस होता है। जिन लोग का डेस्कटॉप है, मैंने जिन लोग का कंप्यूटर है उन लोग के लिए अलग केस होता है, और जिन लोग का लैपटॉप है उन लोग के लिए अलग केस होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाले लोग के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, जिन लोग का कंप्यूटर है। तो उन लोग को करना क्या है कि यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे टाइप करना है जिन लोग का कंप्यूटर है, और इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और ये जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके वाईफाई के रिलेटेड ड्राइवर रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहे तो आप इसे ऑनलाइन बेसिस पे भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली वाईफाई ड्राइवर को। और वाईफाई ड्राइवर मैंने वाईफाई आपका एडाप्टर जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होने के बाद जो आपके कंप्यूटर का जो वाईफाई है वो आपका कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जिस भी कंपनी का कंप्यूटर है उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ इस ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑनलाइन बेसिस पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को। तो ये हो जाने के बाद, ये कंप्यूटर वाले लोग के लिए मैं बता दिया हूँ, डेस्कटॉप वाले लोग के लिए बता दिया हूँ। और जिन लोग का लैपटॉप है, ऐसा नहीं कि लैपटॉप वाले लोग भी इसे यूज़ नहीं कर सकते ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को, लैपटॉप वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली डेस्कटॉप वाले लोग के लिए बताया हूँ। अब मैं स्पेशली लैपटॉप वाले लोग के लिए बताता हूँ कि करना क्या है कि जिनका जिनका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है एचपी। अगर आपका लिनोवो का है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है लिनोवो। अगर आपका डेल का है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है डेल। तो इस तरह से आपको ब्रांड नेम को पहले टाइप करना है डेल। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर्स, डेल ड्राइवर्स, देन एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक सीरियल नंबर आपको वहाँ पे लिखा हुआ शो होगा, मैंने उसके स्टिकर में मेंशन किया होगा और मॉडल नंबर भी और भी टोटल डिटेल्स वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और ये सर्च बार है, ये सर्च बार कॉमन है, ये सभी कंपनी के वेबसाइट में ये सर्च बार देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी सर्च बार में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे रिकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन शो होता है तो आप डायरेक्टली इस रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे मेरे लैपटॉप का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से। और आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हो सकता है ये ऑप्शन आपको डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले या टॉप की ओर भी देखने को मिले, और अनदर अनदर वेबसाइट में तो हो सकता है कि ये ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आपको एक सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उस सर्विस वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन या सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर का ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे विजिट लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप के रिलेटेड जो जेन्युइन ड्राइवर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है टचपैड से रिलेटेड या रियलटेक पीसीआई इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखोगे यहाँ पे आपको नेटवर्क से रिलेटेड आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पे थ्री डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो थ्री डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि आपका वाईफाई ड्राइवर ये वाला है जो मिडिल में है आपका रियलटेक पीसीआई इंटरनेट कंट्रोलर, यही आपका ड्राइवर है, माने वाईफाई ड्राइवर ही है। कितने लोग को तो यहाँ पे डायरेक्टली वाईफाई का ही ऑप्शन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे देखने को नहीं मिल रहा है वाईफाई का ऑप्शन डायरेक्टली लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी आपको वहाँ पे माने एडाप्टर शो होते हैं, ड्राइवर शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को यहाँ से एक एक कर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। आप किसी भी मैंने सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल किए हो या किसी भी गेम को आप इंस्टॉल किए हो, जैसा प्रोसेस है सेम प्रोसेस की तरह ही आपको उसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश उसी तरह करके आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल करके आप कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड करने में और इंस्टॉल करने में ज़रा टाइम लग जाता है और ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा। आप इसे डाउनलोड करके आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में, और इंस्टॉल करने के बाद और आपको एक बार करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम के एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है, अपने सिस्टम के एक बार रीस्टार्ट करना है और आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को, मेरे व्हाट्सअप चैनल, मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे ही बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टोटल सोशल मीडियाज़ का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।